लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क। जनेश्वर मिश्रा बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया जिले के बैरिया तहसील के निवासी और उनकी जन्मभूमि यानी जनेश्वर मिश्रा जी की भूमि सोमनाथई। दोस्तों, समाजवादी पार्टी सरकार में इस पार्क का निर्माण हुआ और ये आज पार्क लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। देश में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सरकार में रेल मंत्री रहे जनेश्वर मिश्रा, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, देश के तीनों सरकारों में वह केंद्रीय मंत्री थे। ये जो पार्क देख रहे हैं, इस पार्क में सुबह और शाम काफ़ी भीड़ लगती है। 18 साल तक जनेश्वर मिश्रा राज्यसभा सांसद भी रहे और मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में उनकी गिनती रही। बहुत भरोसा था, हमेशा भरोसा रहता था मुलायम सिंह यादव को जनेश्वर मिश्रा जी पे। जब भी कोई बड़ी रैली, कोई सभा होती थी तो मुलायम सिंह यादव के मंच पर जनेश्वर मिश्रा हमेशा दिखाई देते थे। पूर्वांचल और प्रदेश के कई जनपदों में जब समाजवादी पार्टी की रैली या चुनावी जनसभा होती थी, हर चुनावी जनसभा में अमर सिंह और जनेश्वर मिश्रा और मुलायम सिंह, ये बड़े नेता एक मंच पर होते थे। बलिया के सांसद रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी के सरकार में जनेश्वर मिश्रा रेल मंत्री भी थे और कई चीज़ों पर देखा जा रहा है कि देश में कई जगह उनके नाम से कुछ न कुछ बना हुआ है। वैसे उत्तर प्रदेश में आप जनेश्वर मिश्र पार्क देख सकते हैं। दोस्तों, बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और आज का मौसम देख सकते हैं, बादल घिरा हुआ है। चूँकि भोर में बारिश हुई थी, सड़कें भीगी हैं और थोड़ा ठंड भी है। हम इस वक्त समतामूलक चौक पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गाड़ियां रोड पे चल रही हैं और आज का मौसम बड़ा ही बेहतरीन है। चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पे हमेशा गाड़ियों का चलना दौड़ना लगा रहता है, क्योंकि बड़ी सिटी है और राजधानी भी है। तो आज के मौसम के बारे में बताना था आपको कि आज का मौसम ये है कि लखनऊ में बादल घिरा हुआ है, सुबह के भोर के समय बारिश हुई है, पेड़ों पे हरियाली छाई हुई है। नमस्कार।